दोस्तों लोकसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड बहुमत के बाद अभी अभी एक ब्रेकिंग खबर आ रही है, आपको बताना चाहता हूं। चुनाव आयोग के एक अधिकारी को बीजेपी नेताओं के साथ शामिल होने के आरोप लगे हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा खुलासा इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक रिपोर्ट के जरिए मिला है। दोस्तों हम आपको अमर उजाला की रिपोर्ट बता रहे हैं, चुनाव आयोग के प्रमोद शर्मा को निलंबित करने के आदेश दे दिए गए हैं। चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी के साथ चुनाव प्रचार में शामिल होने के आरोप इन पे साबित हो चुके हैं। और आपको बताना चाहता हूं, चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर व भाजपा नेता प्रमोद शर्मा को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि ये नेता क्या कर रहे थे और इनको किस चीज में जो है पकड़ा गया है, इसकी पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं हमारे देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि आदेश जारी किए गए हैं कि निलंबन के साथ ही 3 दिन के भीतर प्रमोद शर्मा और उनके खिलाफ जारी की गई चार्जशीट में प्रति मुख्य निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है, यानी कि उनको उपलब्ध कराई जाएगी। और मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने यह कार्रवाई 12 मई मिली शिकायत के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर से हुई जांच के बाद की है। दोस्तों आपको बता दें कि आयोग को शिकायत मिली थी कि प्रमोद शर्मा चुनाव आयोग के सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे थे। प्रमोद शर्मा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि इत्तेफाक से उनकी प्रत्याशी से मुलाकात हुई थी, लेकिन मामले की जब जिला स्तरीय जांच हुई तो जांच में आरोप बिल्कुल सही निकले, यानी कि चुनाव आयोग का इलेक्शन कमीशन का ये अधिकारी बीजेपी नेताओं के साथ उनका प्रचार करते हुए पकड़ा गया है। वीडियोग्राफी में वह प्रचार व रैली में शिरकत करते हुए मिले। इसके बाद मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी है। आयोग के निर्देश के बाद अब सीईओ कार्यालय ने प्रमोद शर्मा को निलंबित करने के आदेश दे दिए हैं। तो आपको बड़ी खबर बता रहा हूं दोस्तों, चुनाव आयोग का बहुत बड़ा घोटाला अभी अभी सामने आया है। चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी प्रमोद शर्मा बीजेपी नेताओं के साथ प्रचार करते हुए नजर आए थे। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।